आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी का असर आगामी त्योहारों पर देखने को मिल रहा है। दीपावली से पहले खरीदारी के शुभ मुहूर्त पुष्प नक्षत्र पर गुरुवार को बाजार में चहल पहल तो रही, लेकिन व्यापारियों की माने तो उम्मीद से कम व्यापार हुआ है। व्यापारियों की माने तो कोरोना के साथ ही इस साल बारिश की लेट लतीफी और कम बारिश के चलते खराब हुई फसलों से भी बाजार में रौनक नहीं है। दीपावली पर रंग रोगन से लेकर सोने चांदी की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन इस बार दिवाली के पहले आने वाले पुष्प नक्षत्र पर भी बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखो, हर साल की तरह पुष्प नक्षत्र आता है। पुष्प नक्षत्र जैसे बोलते हैं, इस दिन शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार में बहुत इजाफा रहता है गिराकी का। अब इस समय क्या है कि कोरोना काल की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत धंधे की हालत भी बहुत डाउन चल रही है। और जैसे माना जाए तो पुष्प नक्षत्र एकदम शुभ दिन रहता है और आज का दिन जैसे पैर रखने की जगह मार्केट में नहीं रहती है। तो कोरोना काल की वजह से भी और कुछ क्या है कि आर्थिक परिस्थितियां जैसे फसल वगैरह इनके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो ज़्यादा कुछ इस बार मतलब नहीं निकल रहा है ना, बहुत व्यापार ठंडा चल रहा है। आना जाए की हालत खराब है। हाँ, ये तो हालत बिल्कुल खराब चल रही है। क्या नाम है आपका? कमल चंदानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।